मौसम की बेरुखी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। बरसात न होने से काश्तकारों की चिंताएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराकाशी जनपद नकदी फसलों के लिए जाना जाता है। गंगा घाटी के हर्षिल मुखवा, धारली, भटवाड़ी, बाड़ागढ़ी, डुंडा, बरसाली आदि क्षेत्र के काश्तकार नकदी फसलों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिले में पिछले 4 माह से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों को फसलें बर्बाद होने और कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। ऐसे में अब कष्टकारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उत्तराकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बताएं क्या है पूरा मामला। विनीत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खामियों के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पाया, पर आपको बता दें मौसम की बेरुखी का असर अब किसानों पर साफ दिखाई दे रहा है। फिर से हमारे साथ एक बार संवाददाता विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या है पूरा मामला? जी मनीष, बिल्कुल आपको बता दो, जिस तरह से मौसम लगातार जो फसलें हैं वो खराब होती जा रही है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, मगर बारिश के जो आसार है वो यहाँ पे दिखते नजर नहीं आ रहे, जिससे कि जो नकदी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। चाहे गेहूँ की बात की जाए, आलू, मटर, कई ऐसी फसलें यहाँ पे जो आप तक निकलने को तैयार रहती है, मगर जिस तरह के हालात लगातार, वैसे कि मौसम विभाग भविष्यवाणी तो कर रहा है, मगर काफी समय से बारिश न होने से जो कष्टकार है वो दोचार हो रहे हैं, और लगभग उनकी जो समस्याएं हैं वो खुलने का सुधरने के नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब नाखुद प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो फसल है उसका मुआवजा उन तक मिल पाए। जी जी विनीत, किसानों की क्या प्रक्रिया है इस पर? क्या वो सरकार से किसी मांग पर अड़े हैं, या सरकार ने या प्रशासन ने इनकी तरफ कोई और चीजों का रुख करने की अपील की है? मनीष, बिल्कुल, जैसा कि सरकार कृषि को लेकर बढ़ चढ़कर साथ दे रही है, मगर जिस तरह से हालात उत्तरकाशी की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर पहले भी फसलों को लेकर अच्छी प्रकार की वैरायटियां यहाँ पे देखने को मिलती है, मगर इस समय सिर्फ जिस तरह से मौसम लगातार बारिश न होने से लोगों में दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने तो कल परसों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि को लेकर बड़े बड़े बयान तो दिए हैं, मगर जो लोगों की जो राय है कि जिस तरह से किसानों का जो कहना है कि हमारी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और आगे जो हालात रहेंगे अगर इसी तरह से रहेंगे तो जो उनकी लगी नगद जो पैसे लगे हुए हैं वो भी निकलना बड़े मुश्किल हो जाएगा। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप उत्तराकाशी से देख रहे हैं, जहां पर मौसम की बेरुखी के चलते किसानों को चिंता सता रही है, अब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं पर अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा।